हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन टू ऑफ आवर डिस्कशन ऑन टॉपिक एल कार्गो लॉजिस्टिक्स। अभी तक जो सेशन वन में हम लोगों ने कवर किया है, सेशन वन में हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी किया। फिर हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जाना कि ये लोग क्या क्या बिजनेस करते हैं, इनका पेडिग्री क्या है, कहाँ कहाँ पर इनके पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के आसपास इनके कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, ये सब हम लोगों ने जाना। सेशन टू में हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उनके टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उसके बारे में पहले समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि कंपनी का बिजनेस जब मैं स्टडी कराऊंगा या करूंगा तो वहां पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, अगर उसका मीनिंग ही आपको नहीं पता है तो फिर क्या आप बिजनेस को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इससे पहले कि बिजनेस के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाए, मैं चाहता हूं कि हम लोग कंपनी के कुछ टर्म्स को बहुत अच्छा से समझ लें कि किसको क्या बोला जाता है। तो पहले देखते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, यानी जो वैल्यू चेन होता है एक लॉजिस्टिक सेक्टर का वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर एक सामान को मैन्युफैक्चर कर देता है और फिर उस सामान को कलेक्ट करके कस्टमर तक पहुंचाने का जो पूरा जिम्मेदारी है ना, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। तो वहां पर पहला काम होता है पैकिंग करना। तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, कभी कभी वही लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम लोग पैकिंग कर देंगे, लोडिंग कर देंगे, स्टफिंग कर देंगे, क्लियरिंग कर देंगे, यानी आपके फैक्ट्री से सारा सामान को पैक वैक करके उठा के ले जाने का जिम्मेदारी मेरा। अब उठा के कहाँ रखेंगे, ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट वो लोग रोड के थ्रू भी करते हैं, रेल के थ्रू भी करते हैं, सी के थ्रू करते हैं, एयर के थ्रू करते हैं, या अगर लिक्विड या गैस या ऐसा कुछ होता है तो वो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं सामान को। फिर ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होता है, उसको कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक कस्टमर का ऑर्डर ना आ जाए। तो वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उनके पास अपना खुद का कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है, आईसीडीज होता है, लॉजिस्टिक्स पार्क होता है। तो ये सारा चीज लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास होता है और वहां पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, या फिर CWC और SWC में सामान को स्टोर किया जाता है। फिर वहां पर सामान को दोबारा से अनलोडिंग करके, डी स्टफिंग करके, रीपैकिंग किया जाता है कस्टमर लायक पैकिंग। देखिए, ये दोनों पैकिंग में डिफरेंस है। ये पैकिंग जो किया गया था उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि सामान को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, सामान को हिफाजत से गोडाउन तक कैसे ले जाया जाए। गोडाउन में जाने के बाद जो रीपैकिंग हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के लिए सामान को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि कस्टमर्स उसको खरीद ले। तो ये रीपैकिंग यहाँ पर दोबारा होता है। और रीपैकिंग में और एक चीज हो सकता है कि यहाँ पर जब पैकिंग होता है तो पूरा होलसेल लॉट में, बड़े बड़े लॉट में पैकिंग होता है, पर जब डिलीवरी करने का समय आता है तब तो कस्टमर तो एक बार में होलसेल लॉट में नहीं खरीदता है, वो तो छोटे छोटे लॉट में खरीदता है। तो कस्टमर को सप्लाई करने के लिए फिर इंडिविजुअल यूनिट्स का पैकिंग किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ रीपैकिंग। और फिर इंडिविजुअल यूनिट्स में पैकिंग करने के बाद कस्टमर के घर तक उसको डिलीवर किया जाता है, तो वहां पर हम लोग इसको बोलते हैं कोरियर। हम लोग कॉमन भाषा में इसको क्या जानते हैं, कॉमन भाषा में हम लोग इसको कोरियर के नाम से जानते हैं। तो जो कोरियर का जो होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं एक्सप्रेस सर्विस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस सर्विस। ठीक है, तो उसके बाद ये कंज्यूमर के घर तक ये सामान को पहुंचा दिया जाता है। तो ये पूरा वैल्यू चेन है जिसमें लॉजिस्टिक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखते हैं ये कंटेनर फ्रेट स्टेशंस होता क्या है, व्हाट इज दिस कंटेनर फ्रेट स्टेशंस। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन, CFS स्टैंड फॉर कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड रिफर्स टू अ वेयर हाउस। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हाई फाई चीज कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा गोदाम है। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो क्या है, ये गोदाम वेयर कार्गो दैट बिलोंग्स टू वेरियस एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स इज कंसोलिडेटेड और डीकंसोलिडेटेड बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड। यानी ये एक ऐसा गोडाउन है जहां पर कार्गो जो है अलग अलग एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स से आया हुआ सामान को एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है, या फिर जरूरत पड़ने पर अलग अलग छटाई भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि उस समय क्या है, क्या करना है, क्या कस्टमर का ऑर्डर है। तो या तो ऐसा होता है कि कस्टमर का अलग अलग फैक्ट्री से सामान आ रहा है पर भेजना एक ही जगह है, तो उस समय क्या होगा कि भैया अलग अलग जगह से आ रहा है, तो ये अलग यहां से आ रहा है, एक कुछ सामान इस फैक्ट्री से आ रहा है, कुछ सामान इस फैक्ट्री से आ रहा है। तो यहां पर कंटेनर फ्रेट स्टेशन में उस सप्लायर का सारा सामान एक जगह आता है और एक जगह आके वो कंसोलिडेट होता है, एक जगह कंसोलिडेट होता है।
इसको कंटेनर में भरा जाता है, और ये सारा सामान मान लो अगर किसी एक देश में हम लोग को जर्मनी में एक्सपोर्ट करना है, तो सारा सामान फिर एक साथ जर्मनी में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेट करके डिस्पोज करना। कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है, या उल्टा मतलब जैसे यहाँ पर अब जर्मनी में तो सामान सारा कंसोलिडेट होके आ गया, पर ये सारा सामान तो एक ही कस्टमर के घर नहीं जाएगा, कुछ सामान इसके घर जाएगा, कुछ सामान इसके घर जाएगा, कुछ सामान इसके घर जाएगा। तो यहाँ पर जब आया कंसोलिडेट होके आया, फिर यहाँ पर आने के बाद इसको डीकंसोलिडेट किया जाएगा और इंडिविजुअल कस्टमर के घर में सामान को भेजा जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एंड डीकंसोलिडेशन, और ये सारा काम कहाँ पर होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में। तो मान लीजिए अगर ऑल कार्गो का एग्जाम्पल दूं, तो इंडिया में उसके कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, वहां पर सब अलग अलग जगह से सामान आया, कंसोलिडेट हुआ, वहां से वो जर्मनी में गया, जर्मनी में भी हो सकता है उनका एक सीएफएस है, वहां पर चला गया, वहां पर इन सामान को डीकंसोलिडेट किया गया और फिर इंडिविजुअल कस्टमर के घर तक या जो भी उनके फैक्ट्री है वहां तक सामान को पहुंचाया गया। तो ये समझ में आ गया किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। फिर आता है ये सीएफएस का पर्पस क्या है, तो वो तो मैंने समझा दिया, कंसोलिडेटेड मतलब इसका सीएफएस का मेन फंक्शन क्या होता है, कंसोलिडेट करना एलसीएल शिपमेंट को। एलसीएल शिपमेंट मतलब होता है जहां पर कंटेनर जो आया है उसमें पूरा कंटेनर में एक ही आदमी का सामान नहीं है, वहां पर हो सकता है मान लो कि इनका सीएफएस जो है, मान लो इनका सीएफएस है मुंबई में, तो अब कलकत्ता से कुछ लोगों का सामान आ रहा है, कुछ लोगों का सामान दिल्ली से आ रहा है, कुछ लोगों का चेन्नई से आ रहा है, तो अब यहाँ पर से जो कंटेनर भर भर के आ रहा है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि चेन्नई का सिर्फ एक ही कस्टमर का सामान आ रहा है, हो सकता है चेन्नई के दो अलग अलग कस्टमर का सामान इसी कंटेनर में भर के आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एलसीएल बोला जाता है। एलसीएल का मतलब होता है कि जहां पर मेरे इतना ज्यादा सप्लाई नहीं है कि पूरा कंटेनर भर जाए, ठीक है, मान लो कंटेनर में 200 पीस रखने का जगह है पर आपको सिर्फ 100 100 पीस भेजना है कहीं पर, तो अब वो अगर कस्टमर को वापस कर देता, बोलता नहीं मेरा तो 200 पीस होगा तभी भेजेंगे, तो अपना कस्टमर को लूज कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते कोई बात नहीं, 100 पीस आपका चला जाएगा, 100 पीस अगर कोई और कस्टमर मिल जाता उसका चला जाएगा, दोनों के सामान को वहां पर हम कंसोलिडेट करते, इसको बोलते हैं एलसीएल कंसोलिडेशन। तो एलसीएल को कंसोलिडेट करके हम लोग सीएफएस में भेज देते हैं, फिर वहां पर डीकंसोलिडेट कर देंगे कि जिसका जिस कस्टमर का जो सामान है उसको अलग अलग कर देंगे। तो ये सब काम यहाँ पर होता है। तो कंसोलिडेट एलसीएल शिपमेंट टू अ लार्जर कंटेनर, उसको लार्जर कंटेनर में कंसोलिडेट किया जाता है विथ फ्रेट ऑफ सेम और डिफरेंट कस्टमर बीइंग शिप्ड इनटू द सेम डेस्टिनेशन। यहाँ पर मतलब क्या किया जाता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में लार्जर कंटेनर में सारे सामान को एक जगह लाया जाता है, और फिर क्या होता है कि मान लो अगर एक कंटेनर कोई 10 कंटेनर है वो अफ्रीका जा रहा है, तो जो भी अफ्रीका जाने वाला सामान है सबको एक ही उन्हीं 10 कंटेनर में भर दिया जाता है, तो वो अफ्रीका जाने वाला में चला गया। कोई अमेरिका जा रहा है तो जो जो अमेरिका जाने वाला सामान है उसको एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है, फिर उसको अमेरिका भेज दिया जाता है। तो ये सारा काम जो होता है, ये सारा कहाँ पर होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में होता है। तो आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन का काम क्या है। फिर सीएफएस और आईसीडीज में क्या डिफरेंस है, ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन और आईसीडीज में डिफरेंस क्या है। तो एन आईसीडी इज जनरली लोकेटेड इन द इंटीरियर दैट इज आउटसाइड द पोर्ट टाउन, यानी आईसीडीज जो होता है वो ऐसे जगह पे होता है जहां पर पोर्ट्स जनरली अवेलेबल नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इंटीरियर्स में होता है ऑफ द कंट्री अवे फ्रॉम सर्विसिंग द पोर्ट्स, यानी ऐसे जगह पे होता है जहां पर पोर्ट्स का फैसिलिटी नहीं है। और कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज एन ऑफ डॉक फैसिलिटी लोकेटेड नियर द सर्विसिंग पोर्ट्स, यानी ये ऐसा वेयर हाउसेज है जो ऑफ डॉक होता है, डॉक पे नहीं होता है पर पोर्ट या डॉक के बहुत करीब होता है, लोकेटेड नियर टू द सर्विसिंग पोर्ट, ताकि वहां पर सीएफएस में क्या होगा, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में जो भी कंसोलिडेशन या डीकंसोलिडेशन का काम करना है उसको करके हाथों हाथ पोर्ट में भेज दिया जाता है, विच हेल्प्स इन डीकंजेशनिंग द पोर्ट। इसके वजह से क्या होता है, पोर्ट में जाम नहीं लगता, यानी आपको जो भी भाई सामान को इधर उधर करना है आप लाइन से दूर हटके वहां पर करिए, पोर्ट में जाम मत लगाइए। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन में जाके ये सब निकालना, इस कंटेनर से निकाल के उसमें डालना, उससे निकाल के इसमें डालना, ये सारा चीज वो क्या होता है, वो कंटेनर में सीएफएस में किया जाता है ताकि पोर्ट में कंजेशन ना हो। एंड द पोर्ट बाय शिफ्टिंग कार्गो, यानी कार्गो को शिफ्ट कर दिया जाता है बाय शिफ्टिंग द कार्गो
एंड कस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज आउटसाइड द पोर्ट एरिया। यानी सीएफएस मदद करता है कि कार्गो को शिफ्टिंग कर दिया जाता है, और जो भी कस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, भैया आप वहां पर सीएफएस में जाके करिए, यहाँ पर पोर्ट एरिया में जाम मत लगाइए। दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड इट। और इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको हम लोग आईसीडी बोलते हैं, उसका क्या काम है? इनलैंड कंटेनर डिपो अदरवाइज नोन एज आईसीडीज आर ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट यानी यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं होता, ये पोर्ट जैसा दिखने में होता है पर वहां आसपास कोई जहाज या समुद्र नहीं होता। दे आर इक्विप्ड फॉर हैंडलिंग एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ कंटेनराइज कार्गो। यानी कंटेनर में जो कार्गो पड़ा हुआ है उसको टेम्पररी बेसिस पे या तो खाली करने का काम है, या उसको बस टेम्पररी बेसिस पे संभाल के रखने का काम है, वो सब आईसीडी में होता है। दिस मीन्स दैट हिंटरलैंड कस्टमर्स कैन रिसीव पोर्ट सर्विस मोर कन्वीनियंटली क्लोजर टू देयर प्रोमाइसेस। यानी हिंटरलैंड कस्टमर मतलब जो कस्टमर ऐसे स्टेट में है जहां पर खुद का पोर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उड़ीसा का बात करूं, तो उड़ीसा के पास अपना कोई पोर्ट नहीं है, तो उड़ीसा के कस्टमर लोग क्या कलकत्ता तक सामान ढो के लेके आएंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उड़ीसा के जो सप्लायर्स है वो लोग क्या करेंगे? अगर उड़ीसा में जो कोई आईसीडी है तो वो लोग इस आईसीडी में अपने सामान को भेज देंगे। ये आईसीडी क्या करेगा? कलकत्ता के कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक सामान को पहुंचा देगा सीएफएस तक, और फिर कलकत्ता में पोर्ट है तो सीएफएस से ये पोर्ट में चला जाएगा, और जहां भी एक्सपोर्ट या सप्लाई होना है वो शिप के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा चेन है। तो आईसीडी क्या करता है? ये लिंक बैठाने का काम करता है कि जहां पर पोर्ट नहीं है वहां पर कस्टमर्स कैसे डील करेंगे, वहां से सामान को सीएफएस तक लाने का काम इनलैंड कंटेनर डिपो करता है। तो अब क्लियर हो गया कि इनलैंड कंटेनर डिपो का क्या काम है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन का क्या काम है, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब एफसीएल और एलसीएल का मीनिंग क्या होता है? एफसीएल का मीनिंग होता है देर आर टू ऑफ दीज इंक्लूड फुल कंटेनर लोड एंड लेस देन कंटेनर लोड। तो एफसीएल का मतलब होता है कि फुल कंटेनर लोड, यानी कंटेनर अगर कंटेनर में 200 पीस रखने का जगह है तो पूरा 200 पीस का अगर ऑर्डर मिलता है तो वो कंटेनर फुल हो गया, इसको हाउसफुल बोलते हैं। और अगर मान लो 200 पीस का जगह है पर 100 पीस या 125 पीस या 150 पीस का ऑर्डर मिला है, अभी भी वहां पर वेकेंट सीट्स है, या सीट नहीं भी बोलो तो वेकेंट अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर उसको बोलते हैं लेस देन कंटेनर लोड। यानी कंटेनर जितना लोड ले सकता है उससे कम पीस का हम लोग के पास सप्लाई का ऑर्डर आया। तो एफसीएल रिफर्स टू शिपमेंट फॉर विच ऑल गुड्स इन द कंटेनर आर ओन्ड बाय वन पार्टी। यानी कंटेनर में जितना भी सामान है वो सब एक ही पार्टी का है। और एलसीएल का क्या मतलब है? इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल शिपर गुड्स पैक्ड टुगेदर। एकदम सिंपल सा चीज है जी। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब गाड़ी बुक करते हैं कहीं पर जाने के लिए, तो बस में जाना और गाड़ी बुक करके जाने में क्या डिफरेंस है? कि अगर हमारे मान लो गाड़ी अगर 8 सीटर और हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स लोग कहीं जा रहे हैं 8 जन, तो हम लोग पूरा गाड़ी बुक कर लेते हैं, तो पूरा गाड़ी हम ही लोग के मेंबर का है, ठीक है, वो हो गया फुल कंटेनर लोड। लेस देन कंटेनर लोड मतलब क्या होता है? जैसे अब गाड़ी में 8 सीटिंग कैपेसिटी है पर मेरे को अकेले जाना है, तो मैं तो 8ों सीट बुक नहीं करूंगा। तो गाड़ी वाला बोलता है ठीक है, मैं और भी हम लोग को, मेरे को जो दूसरा पैसेंजर मिलेगा मैं उसको बैठा दूंगा। तो ठीक है आप बैठा दो। तो उस गाड़ी में सिर्फ एक ही फैमिली के लोग नहीं जा रहे, अलग अलग फैमिली के लोग जा रहे हैं, वो गया लेस देन कंटेनर लोड। तो यहाँ पर कंटेनर में क्या होता है? जो कंटेनर में सामान है वो अलग अलग सप्लायर्स का सामान है, और फुल में क्या होता है? एक ही सप्लायर का पूरा सामान उस कंटेनर। फिर व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सीएफएस एंड सीवाई? द सी वाई इज द डिलीवरी और रिसीप्ट ऑफ होल कंटेनर फ्रॉम द शिपर्स और फॉरवर्डर्स और द कंसाइनीज कार्गो यार्ड और प्रेमाइसेस। द सी एफ एस इज द डिलीवरी और रिसीप्ट ऑफ लूज कार्गो फ्रॉम द कैरियर्स कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अब इसको समझिए, सी वाई जो है ये एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जहां पूरा कंटेनर एक ही जगह से डिलीवर हो जाएगा, पूरा कंटेनर एज इट इज डिलीवर करना है। और सीएफएस का मतलब यहां पर हो गया, ये ऐसा डिलीवरी है जहां पर लूज कार्गो को अलग अलग कैरियर कंटेनर फ्रेट स्टेशंस में भेजा जा रहा है। यानी लूज कार्गो यानी उससे वो कंटेनर से बाहर निकाल निकाल के एक एक सामान को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है, तो वो हो गया सीएफएस डिलीवरी सिस्टम। ये सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन नहीं है, ये डिलीवरी सिस्टम का बात हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई पोर्ट एंड सी पोर्ट? तो ड्राई पोर्ट क्या होता है, सी पोर्ट क्या होता है?
अ ड्राई पोर्ट इज लोकेटेड इनलैंड वेयर एज द सी पोर्ट इज लोकेटेड बाय द सी। तो सी पोर्ट जो है वो सी के आसपास है जहां पर एक्चुअली में पोर्ट है, और ड्राई पोर्ट मतलब जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो बताया कि ड्राई पोर्ट है, वहां पर सी भी नहीं है पर फिर भी ऐसा पोर्ट के जैसा जगह बनाया हुआ है जहां सामान को लाया जा सके। इट इज यूजुअली अ ट्रांसशिपमेंट पॉइंट। तो ये क्या होता है, ये एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट होता है फॉर रिसीविंग द कार्गो कि भैया कोई बात नहीं हमारे यहाँ सी नहीं है पर आप सामान को यहाँ लाके रख दो, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके फाइनली सी पोर्ट तक लेके जाएंगे और फिर वहां से शिपमेंट किया जाएगा। जैसे अभी मैंने उड़ीसा और बंगाल का एग्जाम्पल दिया, तो जो आईसीडीज होता है वो कहाँ होता है, ड्राई पोर्ट्स के आसपास होता है, और जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है वो जनरली सी पोर्ट के आसपास होता है। फिर पैलेट्स क्या होता है, तो पैलेट क्या होता है, पैलेट इज अ फ्लैट यूजुअली वुडन स्ट्रक्चर दैट इज यूज फॉर हैंडलिंग द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग द गुड्स। यानी पैलेट में सामान को रख के ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो जब जर्किंग हो ना तो सामान गिर ना जाए, तो पैलेट के सपोर्ट से उस सामान को अटकाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रेट में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। द पैलेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फॉर लोडिंग गुड्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। पर्पस क्या है, पैलेट्स आर यूज्ड टू स्टैक स्टोर प्रोटेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इन द कोर्स ऑफ बीइंग हैंडल्ड बाय मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फॉर्कलिफ्ट पैलेट जैक्स कन्वेयर्स। मतलब जब भी मटेरियल को जो हैंडलिंग हो रहा है उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो जाए मटेरियल में, उस वजह से पैलेट को का इस्तेमाल किया जाता है। और पैलेट के ऊपर सामान रखने से क्या होता है, जब सामान को उठा के दूसरे जगह रखना पड़ता है तो सीधा का सीधा पूरा पैलेट को उठा के रख देते हैं, तो वहां पर फिर एक एक सामान को इंडिविजुअली नहीं उठाना पड़ता। फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है रीफर्स। रीफर्स क्या होता है, सिंपली पुट रीफर्स कंटेनर्स आर बिग फ्रिजेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर कंट्रोल्ड कार्गोस। यानी जैसे खाने पीने का सामान हो गया, फ्रूट हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, सी फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सारे चीज को क्या होता है, ये डर होता है कि कहीं पड़े पड़े खराब ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या किया जाता है, उनको ऐसा कंटेनर में रखा जाता है या ऐसे कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो खुद अपने आप में एक रेफ्रिजरेटर, यानी वो कंटेनर तो है बट अंदर में पूरा उसमें रेफ्रिजरेशन का फैसिलिटी है ताकि वो कोल्ड स्टोरेज का काम करे और सामान जो है वो पड़े पड़े खराब ना हो जाए। तो ये होता है रीफर्स। ठीक है, फिर एमटीडी शिपिंग क्या होता है, जो मैंने बताया मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, और हम लोग जानते हैं कि ये जिस जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, उनका मेन कमाई कहाँ से आता है, वो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन से ही आता है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशंस ऑफ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्विंग टू और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो अगर मैं ऑल कार्गो का मैनेजमेंट हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट के साथ डील करूंगा कि भैया आपके सामान को यहाँ से वहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, किसके थ्रू पहुंचाना है, आप वो टेंशन हम लोग पे छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास एयर का भी फैसिलिटी है, शिप का भी फैसिलिटी है, रेल का भी फैसिलिटी है, रोड का भी फैसिलिटी है। तो जैसा सामान होगा, जिस तरह से उसको पहुंचाना अच्छा होगा, इजी होगा, हम उस तरह से पहुंचा देंगे। तो हो सकता है कि इंडिया से मेरे को अगर बाहर देश में भेजना है, मैं एयर के थ्रू फटाक से भेज दूं, और फिर वहां पर लैंड करने के बाद मैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कस्टमर के घर तक भेजूं, तो क्या हो गया, मैंने एयर को मदद लिया, रोड का मदद लिया। इसको बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, यानी मैं एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मदद ले रहा हूं। फिर होता है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इज ऑफिशियली डिफाइंड एज फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी विथ मिनिमम एरिया ऑफ 100 एकर्स। तो यहाँ पर फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी होना चाहिए कम से कम 100 एकड़ का जमीन होना चाहिए विथ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेस। यानी और वो ऐसा वेयर हाउस होना चाहिए, लॉजिस्टिक पार्क होना चाहिए जहां पर ट्रेन जा सके, जहां पर ट्रक्स जा सके, जहां पर छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी सब जा सके, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पॉसिबिलिटी होना चाहिए। मैकेनाइज्ड वेयर हाउस होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन होना चाहिए लाइक कोल्ड स्टोरेज हो गया, फैसिलिटीज फॉर मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग हो गया, इंटर मोडल ट्रांसपोर्ट कंटेनर टर्मिनल्स हो गए। तो ये लॉजिस्टिक पार्क क्या है, ये पूरा एक एरिया है बहुत बड़ा 100 एकड़ का,
जैसे शॉपिंग मॉल क्या होता है? मॉल का मतलब वो क्या, एक बड़ा सा एरिया जिसमें अलग-अलग प्रकार के जैसे शॉप्स आपको चाहिए वैसे मिलेंगे। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो मूवी हॉल मिलेगा, आपको खाना खाना है तो फूड स्टॉल मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिलेगा, आपको कपड़े खरीदने हैं तो कपड़ों का शोरूम, अलग अलग चीज सब मिलेगा, पर वो विद इन वन प्रेमाइसिस। तो सेम चीज है लॉजिस्टिक पार्क, ये एक प्रेमाइसिस है, उसमें आपको जैसा वेयर हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए वो मिलेगा, आपको स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसा करना स्टोरेज चाहिए वो मिलेगा, आपको अगर ट्रक से अंदर जाना है तो ट्रक जाने का भी जगह है, अगर आपको छोटा गाड़ी चाहिए तो छोटा गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप रेलवे से या मालगाड़ी के थ्रू जाना चाहते हैं तो मे बी वहां पर रेलवे ट्रैक्स भी बिछा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पूरा लॉजिस्टिक्स पार्क, जहां पर हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो समझ में आया लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है? तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर थर्ड पार्टी बिजनेस टू आउटसोर्स एलिमेंट्स ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस एंड ट्रांसफर। सिंपल सा बात करें तो आप देखो अमेजन जो है ना, अमेजन इज अ लार्जेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी इन द वर्ल्ड। हम लोग अगर अमेजन को जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं, कि भाई अमेजन का एक वेबसाइट है, अमेजन सामान को रिटेलिंग करने का काम करता है, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट अमेजन सो फार। पर एक्चुअली अगर मैं अमेजन का बात करूं तो इससे बड़ा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर पूरे दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है, कि ये लोग क्या काम करते हैं, मान लो आप अपना कोई सामान अमेजन के थ्रू बेचना चाहते हैं तो आप ये अपने घर पे हो, ठीक है, आपका ऑर्डर आया है, मान लो यहाँ पर कोई कस्टमर अपने घर में है, वो अमेजन में ऑर्डर दिया, तो वो क्या होगा, ये अमेजन जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम करता है, ये आपके घर आएगा, आपका सामान को लेगा, अपने यहाँ पर ले जाके पूरा सा सुंदर सा उसका पैकिंग वैकिंग सब कर देगा, और पैकिंग करके वो सामान कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। तो ये जो अमेजन क्या काम कर रहा है, ये अमेजन क्या कर रहा है, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा है, कि भैया आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कौन सा सामान है वो आप सामान अपने घर पे रखो, सारा काम हम कर देंगे, हम आपके घर में आएंगे, सामान लेंगे, उसको अपने गोडाउन में ले जाएंगे, वहां पर उसका पूरा सुंदर से पैकिंग वैकिंग सब कर देंगे, और पैकिंग करके कस्टमर के घर तक पहुंचाने का भी काम हम ही लोग कर देंगे। तो ये होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम, कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में जो कंपनी है वो इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गए। फिर टीईयू क्या होता है? टीईयू कुछ नहीं होता, ये देखिए इसको बोलते हैं कंटेनर। तो ये कंटेनर का एक पर्टिकुलर साइज होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है इस कंटेनर का, जो बड़ा कंटेनर होता है उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये कितना होता है, ये 20 फीट लॉन्ग होता है, 8 फीट वाइड होता है एंड 8 फीट टॉल होता है, तो 20 × 8 × 8 ये इसका डायमेंशन होते हैं। तो ऐसे डायमेंशन के जो कंटेनर होते हैं उसको बोलते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट, यानी TEU, दैट इज 20 फुट इक्विवेलेंट। तो ये कंटेनर के हिसाब से क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि कितना ऐसा कंटेनर आ सकता है, तो इट कैन होल्ड बिटवीन, और ये जो एक कंटेनर होता है उसमें कितने पैलेट्स रखे जा सकते हैं, 9 से 11 पैलेट्स रखे जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर स्टैंडर्ड पैलेट्स और EUR पैलेट्स। अगर स्टैंडर्ड पैलेट्स हैं तो 11 रखे जाएंगे, अगर थोड़ा छोटा है तो शायद 9 पैलेट्स रखा जाएगा। तो एक TEU में 9 से 11 पैलेट रखा जाता है, और TEU का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा कंटेनर है जो 20 फुट लंबा, 20 फुट लंबा ये कंटेनर हो सकता है लॉन्ग। CWC हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। तो ये सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, सेंट्रल नाम से क्या समझ में आ रहा है, सरकारी हो सकता है, तो इट इज अ स्टैटूटरी बॉडी, यानी सरकारी बॉडी है, विच वॉज इस्टेब्लिश अंडर द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 एंड इट एम्स टू प्रोवाइड रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। तो यहाँ पर CWC का क्या काम हो जाता है, कि CWC एक सरकारी स्टैटूटरी बॉडी है जो मदद करता है बिजनेसमैन को, कि आप वहां पर अपना सामान को अच्छा से सेफली रख सको, और वहां पर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉलेज सेक्शन, कि नॉलेज सेक्शन में हम लोग देखें कि क्या लॉजिस्टिक सेक्टर को अगर हमें समझना है तो कुछ कुछ ये सब जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसका क्लियरिटी हमें दिमाग में एकदम से होना चाहिए। अगर वो क्लियरिटी नहीं होगा ना तो हम लोग कभी भी किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दोबारा से बिजनेस में जाते हैं। अब बिजनेस क्या है हम लोग को थोड़ा सा क्लियरली और बेटर समझ में आएगा।
तो देखिए, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का कितना बिजनेस सेगमेंट है? मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस है, इनलैंड कंटेनर डिपो है। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इनलैंड कंटेनर डिपो। इसके खुद के कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का भी काम करता है, जो अमेजन भी करती है, जो मैंने बताया। एंड प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सोल्यूशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करें तो एमटीओ सर्विस इंक्लूड नॉन वेसल ओनिंग कॉमन कैरियर ऑपरेशंस रिलेटेड टू एलसीएल कंसोलिडेशन या फुल कंटेनर लोड या एयर फ्रेट सर्विस या मल्टी सिटी कंसोलिडेशन एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नॉन वेसल ओनिंग यानी हमारा खुद का वेसल नहीं है, पर हम लोग क्या करेंगे, आपका सामान आपकी फैक्ट्री से ले आएंगे, जो भी उसमें कंसोलिडेशन या डी कंसोलिडेशन करना है हम सब अपने कंटेनर फ्रेट स्टेशन में कर देंगे। जो भी वेसल आपको कहाँ पहुंचाना है बता दीजिए, वहां पर जाने वाले जो भी वेसल होंगे उसको बुकिंग करना, उसका सारा कुछ करना हम लोग कर देंगे। यानी एक तरह से अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रैवल एजेंट क्या करता है, ट्रैवल एजेंट हम लोग को ये बोलता है हम लोग का खुद का कोई गाड़ी नहीं है, हम लोग का खुद का कोई होटल नहीं है, हमारा कोई एरोप्लेन नहीं है, आपको कहाँ जाना है आप बता दो, हम सारा अरेंजमेंट करवा देंगे। गाड़ी बुकिंग करना है हम कर देंगे, एयर टिकट चाहिए हम कर देंगे, रेलवे टिकट चाहिए हम कर देंगे, टूरिस्ट गार्ड चाहिए हम कर देंगे, ठीक है, होटल बुकिंग करना है वो भी हम कर देंगे। तो हम आपका पूरा सब कुछ रेडी करके आपको दे देंगे, पर हमारे ओनरशिप में ना ही होटल है, ना ही एरोप्लेन है, ना ही खुद का कोई गाड़ी है, पर हम अरेंजमेंट सारा कर देंगे। तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं, हम लोग का नॉन वेसल ओनिंग, हम कोई वेसल ओन नहीं करते, पर आपको सामान कहाँ से कहाँ पहुंचाना है बताइए, सारा अरेंजमेंट हम करवा देंगे, चाहे वो फिर एयर फ्रेट से जाना पड़े या उसमें मल्टी मॉडल जरूरत पड़े, आपको एक से ज्यादा का जरूरत पड़े तो सब कर देंगे। जैसे टूरिस्ट वाला क्या बोलता है, आपको एयर टिकट चाहिए हम एयर टिकट से आपको पहुंचा देंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर वहां जाना है आपको गाड़ी चाहिए चिंता मत करिए गाड़ी भी हम बुक कर देंगे। तो मल्टी मॉडल हुआ ना, पहले वो मेरे लिए एयर टिकट्स बुक कर दिया, उसके बाद वो मेरे लिए गाड़ी बुक कर दिया, उसके बाद वो मेरे लिए होटल भी बुक कर दिया, फिर घूमने जाने के लिए अगर कोई गाड़ी चाहिए या टूरिस्ट बस चाहिए वो भी बुक कर दिया, तो मल्टी मॉडल हो गया। सेम काम ये लोग सामान के साथ करते हैं। टूरिस्ट वाले लोग क्या करते हैं, जो ट्रैवल बुकिंग करते हैं वो इंसानों के साथ करते हैं, ये लोग वही काम कार्गो के साथ करते हैं। तो अब ये क्लियरिटी हो गया कि मल्टी मॉडल सर्विस क्या काम करता है। फिर ऑल कार्गो का एक ग्लोबल ब्रांड है ईसीयू वर्ल्ड वाइड, इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द ग्लोबल एलसीएल कंसोलिडेशन मार्केट। तो एलसीएल कंसोलिडेशन के मार्केट में इनका एक ग्लोबल ब्रांड है ईसीयू वर्ल्ड वाइड, वो नंबर वन है विद अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 4,000 पोर्ट्स पेयर अक्रॉस मैनेज्ड बाय मोर देन 300 ऑफिसेज एंड 180 कंट्रीज। तो इनका खुद का बहुत सारे पोर्ट्स में, 4,000 पोर्ट में इनका कंसोलिडेशन फैसिलिटी है, नेटवर्क है, 300 अलग अलग ऑफिसेज है और 180 कंट्री में इनका प्रेजेंस है। तो ये लोग आसानी से क्या करते हैं, अलग 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 जो भी क्लाइंट है जिनको सामान भेजना है, भले ही कंटेनर फुल नहीं हो, एक ही कंटेनर में 5 अलग अलग क्लाइंट के सामान लेके यहाँ पर सीएफएस में आ जाएंगे, वहां पर जो भी इनको कंसोलिडेशन या डी कंसोलिडेशन करना है कर देंगे, उसके बाद जिस जिस पोर्ट में या जिस जिस देश में भेजना है सारे देश में इनका नेटवर्क है, वहां पर सामान भेज देंगे, भले इनका ओनरशिप में कोई भी कोई भी यहाँ पर वेसल नहीं है। तो ये आप चाहे तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया इनके बारे में, कि इनके 2,400 डायरेक्ट ट्रेड्स है, ग्लोबल एलसीएल में इनका 14% मार्केट शेयर है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारा कुछ आप थोड़ा सा पॉज करके डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेन चीज जो समझना है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। फिर इनका इंटरनेशनल सप्लाई चेन में अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप देखो तो वॉल्यूम्स जो है आप देखो ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। फिर अगर क्वार्टर वाइज भी आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू इनका बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम इस किसमें है, टीईयूज में, एलसीएल जो है वो 1,000 CMBS में है और एफसीएल जो है वो ये टीईयूज में होता है। तो ये डार्क स्पॉट जो है वो एफसीएल है और बाकी बात जो है एलसीएल है। रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा डिप आया क्वार्टर फोर के कंपेरिजन में, बट स्टिल इट इज डूइंग वेल। एबिटा का बात करें तो बोलना ही नहीं है, एबिटा कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है, यहाँ पर भी ग्रो किया था पर मार्च के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड FY22 में है, और क्वार्टर वन में बात करें तो 55.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी करके दे रही है।
सीएफएस और आईसीडीज का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया सीएफएस किसको बोलते हैं, आईसीडी किसको बोलते हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गया। अब बिजनेस का क्या है, द कंपनी हैज इंडियाज वाइडेस्ट कंटेनर फ्रेट स्टेशंस विथ पैन इंडिया प्रेजेंस एंड मल्टी सिटी कंसोलिडेशन नेटवर्क। यानी इनका जो कंटेनर फ्रेट स्टेशंस है वो इंडिया में सबसे बड़ा है, पूरे पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है और मल्टी सिटी में कंसोलिडेशन नेटवर्क है। यानी अलग अलग सिटी से आप सामान को ला के एक सीएफएस में कंसोलिडेट कर सकते हैं। इट ऑफर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंडलिंग ऑफ हजारदियस कार्गो हैंडलिंग, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड वेयरहाउस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिफर मॉनिटरिंग, रिफर मैंने अभी समझाया जो क्या होता है, कंटेनर होता है बट वो रेफ्रिजरेटर का काम करता है, तो उसका भी काम ये लोग करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट माइल डिलीवरी, यानी शुरू में कलेक्ट करने का काम और कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम, जिसको मैंने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बताया, वो काम भी ये लोग करते हैं। तो ये सारा सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ओवरव्यू आप देखना चाहें तो थोड़ा बहुत आप पॉज करके अगेन पढ़ सकते हैं, ठीक है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है। बोल रहा है कि अभी यहाँ पर कितना टीईयूज का काम हो रहा है, 16 से 18 मिलियन टीईयूज का काम हो रहा है और 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 22 से 25 मिलियन टीईयूज का काम होने लगेगा। आईसीडी से इनका 29% बिजनेस आएगा 2025 तक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन से 71% के आसपास आ जाएगा, 29% आएगा आईसीडी से। अभी क्या हो रहा है, 78% आ रहा है सीएफएस से और 24%, सॉरी 76% सीएफएस से और 24% आ रहा है आईसीडी से। फिर आगे क्या पोटेंशियल, आप चाहें तो ये कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर इससे फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखें तो यहाँ भी आप देखोगे वॉल्यूम्स इंप्रूव ही हो रहा है, रेवेन्यू भी इंप्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर। फिर यहाँ पर आप देखो तो इबिटा भी यहाँ पर इंप्रूव हो रहा है, FY22 में थोड़ा सा इबिटा डिप किया है बट अगेन नंबर्स आर क्वाइट गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.5% का रहा है और अभी का बात करें तो इस क्वार्टर में 31.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यानी जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में कोरियर के नाम से जानते हैं, कोरियर वाला लोग आता है जो घर में सामान को डिलीवर करके जाता है, तो ई कॉमर्स की वजह से ये बिजनेस काफी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकी सब्सिडरी है गति लिमिटेड, तो गति लिमिटेड के शेयर्स इन्होंने एक्वायर किया था जिसके बाद गति लिमिटेड इनकी सब्सिडरी बन चुकी है, तो इसके थ्रू ये लोग एक्चुअली कोरियर का काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया। द कंपनी ऑफर्स लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस टू टाइम बाउंड डोर टू डोर हाई वैल्यू एंड क्रिटिकल शिपमेंट्स। द डिविजन कंबाइंस ऑफरिंग फ्रॉम सरफेस एंड एयर टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस अक्रॉस इट्स क्लाइंटेले व्हिच इंक्लूड्स की एंटरप्राइज लाइक अकाउंट्स, रिटेल एंड एमएसएमई। यानी अकाउंटिंग का काम, रिटेलिंग का काम, एमएसएमई, जो जो भी ये जो इनके क्लाइंट्स है, इन लोगों का सामान या सर्विसेज को लास्ट माइल डिलीवरी करने तक का काम ये लोग करते हैं और उसमें कौन सपोर्ट करता है इनको, इनकी सब्सिडरी गति लिमिटेड। द डिविजन ऑल्सो ऑफर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोल्यूशन टू ई कॉमर्स, रिटेल एंड ऑटो क्लाइंट्स। तो ऑटो के क्लाइंट्स का अगर कुछ सामान डिलीवर करना है वो भी करते हैं, सपोज अगर कोई गाड़ी कहीं से कहीं भिजवाना है तो बड़े बड़े लॉरी में गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काम करते हैं। रिटेल दुकानदार लोग जैसे जो ग्रोफर्स हो गए, उन लोगों का सामान, अमेजन का सामान, ये सब अगर, वैसे तो अमेजन खुद थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है पर अगर अमेजन को अगर सपोर्ट का जरूरत पड़ता है तो ये लोग उनको भी सपोर्ट करते होंगे। फिर ई कॉमर्स, अमेजन जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बेसिकली ई कॉमर्स का हो गया, तो ये सारा काम ये लोग बेसिकली कोरियर के नाम से, हम लोग जानते हैं ना कोरियर वाला लोग क्या क्या काम करता है, तो वो सारा कोरियर वाले लोग का काम ये लोग करते हैं। इंडिया पाइनियर है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में ये लोग, इनके पास नेटवर्क अगर आप देखें तो 650 ऑफिसेज है, 735 आउट ऑफ 739 डिस्ट्रिक्ट्स ये लोग कवर करते हैं, 99% एरिया पिन कोड्स जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जितने भी पिन कोड्स है सब में इनका प्रेजेंस है, 180 देश में ये लोग काम करते हैं, 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट का इनके पास वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, 30 अलग अलग हब्स बनाए हुए हैं, 300 प्लस ग्रुप्स और फ्रेंचाइजी नेटवर्क है 180 देश में। तो ये इनका अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो सब कुछ पूरा रेडी है और जितना ज्यादा बिजनेस डेवलप करेगा इंडिया में, जितना मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा, जीडीपी या ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा इनका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ते चला जाएगा। यहां से इनका आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स इंप्रूव कर रहा है, अगर यहाँ से रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू भी हर साल बढ़ा ही है और क्वार्टर वाइज भी अगर देखें तो क्वार्टर वाइज भी परफॉर्मेंस इनका अच्छा ही रहा है, क्वार्टर वाइज भी इंप्रूवमेंट हो रहा है।
इबिटा का बात करें तो इबिटा थोड़ा सा यहाँ पर FY22 में गिरा है, FY20 में ज्यादा था, क्योंकि उस समय क्या था कि सारे दुकान उकान बंद थे, तो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स पे डिपेंडेंसी था या लॉजिस्टिक्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी था। फिर यहाँ पर इबिटा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर तो लॉस में चल रही थी कंपनी, फिर यहाँ पर अब जाके ये Q1 में पहली बार प्रॉफिट हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग है कि अभी तक इतना साल से या इतने क्वार्टर से जो लॉस में चल रहा था, जो एक्सप्रेस वाला जो बिजनेस है इनका, अब जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि एक लॉस मेकिंग सेगमेंट प्रॉफिटेबल हो गया। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का बात करें तो प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है, द सेगमेंट कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें प्रोजेक्ट का ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपमेंट का काम करते हैं, और जो इनके पास इक्विपमेंट है उसको भाड़ा पे देने का काम करते हैं। इनके पास क्या है, बड़े बड़े बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो दूसरे लॉजिस्टिक्स वालों को यूज होता है, तो वो भाड़ा पे दे देते हैं। तो ये एरिया ऑफ टर्न की लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस का काम ये लोग हेल्प करते हैं और वहां से भाड़ा कलेक्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में इनके पास क्रेन्स, हम लोग देखें तो 73 क्रेन्स, क्रेन्स इसको बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो 73 से बढ़ के आज 85 क्रेन्स है इनके पास। इंजीनियरिंग सेगमेंट में आप देखो तो कैपिटल इंप्लॉयड दिन पे दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भाड़ा पे खटाने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत इनका जो लॉस मेकिंग है उसको डिवेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है कि जो लॉस मेकिंग है वो डाइवेस्टमेंट हो जा रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और एक एक्सप्रेस वाला जो गति वाला पोर्शन था जो अभी तक लॉस करता था वो प्रॉफिटेबल हो जा रहा है। तो कंपनी के लिए हर चीज काफी पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल। लॉजिस्टिक्स पार्क एंड वेयर हाउसिंग क्या है, ऑल कार्गो ऑफर्स स्टेट ऑफ आर्ट वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट सॉल्यूशन। इनके पास बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स के CFS स्टेशंस बने हुए हैं, लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है जहां पर दूसरे लोग आके अपना सामान गोडाउन में रखते हैं और उनसे ये लोग भाड़ा कलेक्ट करते हैं। तो विथ एन एग्जिस्टिंग लैंड बैंक, इनका लैंड बैंक का बात करें तो 460 एकड़ का लैंड बैंक है, एंड ईच पार्क स्प्रेड अक्रॉस मैसिव 50 to 100 एकड़। तो जितना भी इनका लॉजिस्टिक्स पार्क है वो 100 एकड़, 50 एकड़ के ऊपर का एरिया में ये मतलब स्प्रेड हो रखा है। इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन शॉप फॉर क्लाइंट्स लुकिंग एट मिनिमाइजिंग देयर लॉजिस्टिक ओवरहेड। तो कोई क्लाइंट अगर चाहता है कि मेरा लॉजिस्टिक्स खर्चा कम हो, एक ही जगह मेरे को सब चीज सारा फैसिलिटी मिल जाए, तो वो लोग इनके लॉजिस्टिक पार्क में आते हैं। यहाँ पर सारा फैसिलिटी एक ही जगह मिल जाता है, तो क्लाइंट्स का लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वो काफी कम हो जाता है। सिमिलरली विथ 14 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पार्क्स अक्रॉस द इंडिया, तो पूरे इंडिया में इनके कितने लोग पार्क्स है, 14 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लॉजिस्टिक पार्क है, जिससे क्या होता है पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलता है, और वहां से इंडस्ट्रियल हब एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स को केटर करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इनके 14 जगह लॉजिस्टिक पार्क है। तो आपको इंडिया में कहीं से भी कहीं जाना है, कहीं ना कहीं इनका लॉजिस्टिक पार्क आपको मिल जाएगा, तो वहां से क्या सर्विस प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आप डिटेल में देख सकते हो कि इनके कहाँ कहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क है, वो देखने में कैसे है, क्या क्या अंदर में फैसिलिटी है, ये सारा चीज। तो ये क्या है, ऑल कार्गो हैज बिल्ट बेस्ट इन क्लास ग्रेड ए वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस की लोकेशंस इन इंडिया। फिर द कंपनी हैज ऑलरेडी लीज्ड नियरली 5 मिलियन स्क्वायर फीट विद इंडियन मल्टीनेशनल एंड अदर इंटरनेशनल कस्टमर। तो 5 मिलियन स्क्वायर फीट का जगह ऑलरेडी ये लोग भाड़ा पे दे चुके हैं, जहां बड़े बड़े क्लाइंट अपना सामान स्टोर करके रखते हैं, तो वहां से इनको एक अच्छा रेंटल इनकम भी आता है। वहां से इनकम कितना आ रहा है आप देख सकते हो कि 351 करोड़ आता था पहले, अभी 385 करोड़ आ रहा है। लॉजिस्टिक्स पार्क का बात करें तो वहां से रिवेन्यू जो आ रहा है वो 27 करोड़ से बढ़ के अब 90 करोड़ हो गया, और मैं बोल सकता हूँ आगे चल के ये जो लॉजिस्टिक पार्क से इनका रिवेन्यू है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना बिजनेस बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होगा और भाड़ा उतना इनको कलेक्शन ज्यादा होगा। इबिटा आप देख सकते हो कि इबिटा में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, इबिटा 10 करोड़ से बढ़ बढ़ के आज 60 करोड़ हो गया है, यहाँ पर भी काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल इनका जो बिजनेस है सब जगह अच्छा ग्रोथ हम लोग को सारे सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए या ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है इनका। अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस का बात करूं तो 180 देश में प्रेजेंस है, जहां पर कि मिडिल ईस्ट अफ्रीकन नेशन से 26% रिवेन्यू आता है, एशिया पैसिफिक से 38%, यूरोप से 19% और अमेरिका से 17% करीब रिवेन्यू इनका आता है। तो ये जो सेशन 2 है,
हम इसको यही एंड करते हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा बिजनेस के बारे में डिटेल में समझा कि इनके अलग अलग सेगमेंट क्या है, उस सेगमेंट में ये लोग क्या काम करते हैं, वहां से कितना रेवेन्यू होता है। साथ साथ हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी को समझा कि जब भी किसी लॉजिस्टिक सेक्टर को स्टडी किया जाए तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या फंक्शन है, वो हमने बेसिक्स में जाना। सेशन 3 में जब आएंगे तो हम कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो डीमर्जर का प्लान है उसके बारे में समझेंगे और उस डीमर्जर से इनको क्या फायदा हो सकता है। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना स्टडी किया और इतना हम लोगों ने स्टडी किया, इस कंपनी का आगे चल के क्या वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे सेशन 3। अगर आपको ये सेशन 2 पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे अच्छे सेक्टर्स के बारे में स्टडी करें, कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस करें कि आपको पूरा एक कंप्लीट नॉलेज उस कंपनी के बारे में और उस सेक्टर के बारे में मिल जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और अगर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को ले पाए, समझ पाए, इंडस्ट्री के नॉलेज को ले पाए, कंपनी के बारे में समझ पाए और अपने नॉलेज को बढ़ा के फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा लास्ट सेशन होगा इस कंपनी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।